من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ يُونُسَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

हमसे इस अंदाज में खिताब फरमाया है कि या ए लोगो कत जाम मऊ इजा तुम यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है वा शिफा उलिमा सुदूर और वो शिफ़ा है बीमारियों की जो सीनों में है इस सीनों में बीमारियां जो हैं वो क्या क्या हैं ये असल में वो की बीमारी है तकबुर हसद बूहस और वैसे ज़ाहिर कुरान मजीद पढ़ने वाला जिस्मानी तौर पे उन बीमारियों से भी महफूज रहता है बस बात सिर्फ ईमान की है फिर मजीद फरमाया व हुदन और यह हिदायत है व रहमतुल्लमिन और राहमत है मोमिनों के लिए अपने मानने वालों के लिए कुल बी बिरहमती ही फिर फुमाया के नबीसम आप इन्हें बता दीजिए कि ये कुरान का नजूल जो है ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की वजह से है फबाल का फ़ल यफ बस इस पर चाहिए इन्हें कि ये खुश हों इस पर ख़ुशी मनाएं। अगर ख़ुशी मनाने वाली कोई बात है तो ये कुरान मजीद की नेमत है जो इनकी तरफ़ नाजिल की गई इस पर ख़ुशी मनाएं और फिर हुआ खैर उम मजमा और ये उस सबसे बेहतर है जो ये जमा करते हैं यानी इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ जमा करता है वो तो अपना अपना जायज़ा ले और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस सबसे बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं तो कुरान मजीद को अपने पास जमा करना ये बहुत बड़ी नेमत है हम इसको किसी भी फॉर्म में अपने पास रखें अल्लाह तला हम सबको इसके साथ जुड़े रहने की और इसको जमा करने की फरमाए और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस पर अमल करने की तोफ़ीक़त फरमाए अरबी ज़ुबान में इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए जो चार बातें हमें मालूम होनी चाहिए उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह दो बातों के मुतालिक हम जान चुके हैं एराब और जिनस मुझे सवाल आया था कि हमें ज़रूरत क्या है इन चीज़ों को समझने की तो बात वही है कि अभी हमने इन शाल जुमले बनाने और अगर ये बातें हम नहीं समझेंगे तो हमसे जुमले नहीं सही बन सकेंगे लिहाजा छोटे छोटे जुमलों से हम स्टार्ट करेंगे इन जब एक मरतबा हमारा जुमला बन गया तो फिर उस जुमले की आगे, आगे आप देख लेंगे खूबसूरती है उसमें ज़ोर पैदा करना उस जुमले को सवालिया बनाना उस जुमले में नफ़ी का मफहम पैदा करना वगैरह वगैरह ये सब फिर उसमें मजीद चीज़ें ऐड होंगी असल चीज़ जुमला है और जुमला अगर आपका बन गया एक मरतबा सही कॉन्सेप्ट के साथ तो इनशाला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कुरान मजीद की अरबी समझने में इनशा मुश्किल पेश नहीं आएगी इन तसल्ल तुआ जरूर करते रहे कि रबी यासर वला तो असर व तम बिलखिर एराब हालत रफ़ा हालत नसब हालत जर और फिर मुनसरफ गैर खैर मुनसरिफ़ और मबनी आसमा यानि मैं नाम लेता हूँ और एक आपके जहन में पूरी पिक्चर चल जाती है बस यही रिक्वायर्ड आपसे जेंस मुज़क़्कर मोनस, मुज़क़्कर साइड पे हो गया मोनस मोनस को हमने पहचानने की कोशिश करनी है हकीर हकीकी फिर हकीकी के बाद गैर हकीकी जो है उसमें अलामती मोनस और समाई 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 मौनस। अलामती मोनस की जब भी बात होगी तो मोनस की तीन अलामत सबसे बड़ी अलामत गोलता उसके बाद अलिफ ममदूदा और अलिफ ममदूदा ये गैर मुनसरफ़ अलामत के तौर पर फिर अलिफ मकसूरा सिमाई मोनस में हवाओं के नाम आग के नाम शराब के नाम शहरों और मुल्कों के नाम जिसम के वो अज़ा जो जोड़े की शक्ल में है और फिर मुतफ्रक असमा और इतने ज़्यादा आसमान नहीं है आपको लगेगा कि शायद जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा है नहीं ऐसा नहीं है आप देखिए इतने बड़ी तादाद है आसमा कि उसमें से ये गिनती की चीज़ें जो हमने साइड पर कर रहे हैं तो लबद्दुल्ला आपने खुद प्रैक्टिस करके बताया कि ये आसमा जो हैं ये अरबी ज़ुबान में मुजक्र इस्तेमाल होते हैं या मोनस इस्तेमाल होते हैं मज़ीद अब ये आपका काम है कि आपके पास जब भी वक्त मिले वैसे बैठे हैं तो कोई इसम सोच लिया कि यह कलम का लफ्ज जो है अरबी जुबान में ये मुजक्कर इस्तेमाल होगा या मोनस इस्तेमाल होगा मोनस के टेस्ट इस पर अप्लाई कर दें अगर तो मोनस के टेस्ट में से ये किसी जगह पर फॉल कर रहा है तो ये मोनस है वरना मुजक्र इसी तरह किसी भी इसम को लेकर आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अब कंसेप्ट देना बात समझाना मेरा काम है प्रैक्टिस करना अभी आपका काम है लेकिन बात वही है कि अल्लाह की मदद उसकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं होगा तो बस उससे रबता जो है वो बरकरार रखें जुड़े रहें इन शाह वो आपकी मदद फरमाएगा और ये हो ही नहीं सकता कि आप ये सारी की सारी मेहनत जो है वो उसके कलाम को समझने के लिए कर रहे हैं और वो आपकी इस मेहनत को रायगा करे ज़ाया करे मेरा तो ये मान नहीं है इन शाह आप भी सीखेंगे अगर मुझ जैसे शख्स को अरबी या अल्लाह ताला कलाम की थोड़ी बहुत समझ में आ आ सकती है तो मुझसे कहीं ज़हीन लोग इस क्लास में बैठे हैं इंशाल्लाह ताला उन्हें तो ज़रूर आएगी बस मांगने की ज़रूरत है अल्लाह से मांगे वो आपको ज़रूर ताफरमाएगा के बाद तीसरा पहलू हमारा है अदद का और हम अब अदद को जो है वो शुरू करते हैं अदद के हवाले से बात हो चुकी है कि उर्दू में और अंग्रेज़ी में आप दो अदद इस्तेमाल करते हैं दो अदद से मुराद ये है वाहिद या जमा उर्दू में और अंग्रेज़ी में सिंगुलर प्लूरल लेकिन अरबी ज़ुबान में वाहिद एक के लिए और अभी तक जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने असमाँ की रखी हैं वो सबकी सब वाहिद असमा की एग्जाम्पल्स थी आज इनशा तला दो से काम जो है शुरू हो जाएगा तो ए के लिए जो हम अदद बोलेंगे वो वाहिद होगा दो के लिए अरबी जुबान में अलग से एक अदद मिलेगा आपको जिसको मुसन्ना कहा जाता है इसको तस्निया भी कहा जाता है लेकिन असल आप कह लें कि मुसन्ना बनाने का अमल वो जो है वो तस्निया कहलाता है तो बहरहाल चलता है ये कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है और फिर दो से जायद के लिए अरबी जुबान में जमा का दर्ज इस्तेमाल किया जाएगा वाहिद इसम का एराब कैसे शो होता है अलहमदल आपको पता है मैंने कलम आपके सामने लफ्ज बोला वाहिद है तो कलम की तीनों इराबी हालतें कलम उन कलम कलम इन और जिन्स भी आपको पता चल गई कलम जो है अरबी जुबान में मुजक्कर मुजक्कर है, है? है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया फिर उसके बाद मिरवा पंखा इसकी तीनोंबी हालतेंिर तन मिरवा तन मिर तिन अरबी हालतें हो गई और तनवीन ने बता दिया कि मुनफिस में ठीक है और मुजक्कर या मोहन से मोहनस गोलता ने बता दिया कि मोहनस है ठीक हो गया आज इनशा तला हम एक से दो बनाने का तरीका सीखेंगे कि एक कलम से मैं दो कलम बना दूं और एक पंखे से दो पंखे बना दूं एक दरवाजे से दो दरवाजे एक घर से दो घर इन शाल बड़ी आसानी से बनेंगे तो वाहिद पे हम बात नहीं करेंगे जितने भी आसमा हमने एग्जांपल्स में लिए हैं वो सबके सब वाहिद थे अब हम मुसन्ना की तरफ चलते हैं तो मुसन्ना को अब सीखते हैं कि अरबी ज़ुबान में मुसन्ना बनाने का तरीका क्या है अरबी जुबान में मुसन्ना कैसे बनेगा बहुत आसान है मैं आपको बता चुका हूं कि मुसन्ना बनाने का तरीका अरबी जुबान में तस्निया कहलाता है मुसन्ना बनाने के लिए बहुत आसान फॉर्मूला आपके पास एक कलम है कलम इससे मैं दो कलम बनाने लगा हूं देखिएगा जरा यानी इसमें वो तरीका नहीं होगा कि इसको मैं इस तरह दो कर दूं नहीं ये एक है और ये दो है मेरे पास जो भी इसम है चाहे वो मुजक्कर है चाहे मोहनस है मैं सबसे बना के दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला कलम जो आखिरी हरफ है लफ्स का इसम का उसके आखिरी हर्फ पर मैं लगाऊंगा जबर आखिरी हर्फ पे लगाई जबर और अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दिया क्या बन गया कलामानी मानी कलामानी कला कालामानी एक से दो बन गए फॉर्मूला फिर याद कर लें जो भी इसम है आपके पास वाहिद इसम उसके आखिरी हर्फ पर जबर लगानी है यानी उसे जबर देनी है और औरफ और नून जेर नी का इजाफा करते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा इसको ज़रा चेंज कर रहा हूं जो आपके पास बुक्स हैं उसमें ज़रा और तरीके से इस बात को जरा समझाया गया तो इसलिए अगर आप बुक्स बंद कर दें और पूरी तवज्जो तो बोर्ड पे दें तो बात जल्दी समझ में आएगी इन क्योंकि ज़ाहिर है कोशिश यही है मेरी कि हर आने से आने वाली क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके आपके सामने पेश कर सकूं तो मुझे अब इस वक्त जो सबसे आसान तरीका लग रहा है वो यही लग रहा है इसलिए मैं आपके सामने ये कर रहा हूं बाकी डिटेल्स के लिए आप बुक में जो है वो देख सकते हैं तो कलम कलम से कलम आनी किताब जी नदीम साहब पूरा फार्मूला पे जबर लगी अलिफ और नून जेर नी किताबानी तो किताब के माना एक किताब और किताब आनी दो किताबें बाब बाब कहते हैं दरवाजे को ठीक है जी बाप से एक दरवाजे या दो दरवाजे बनाने आपने आखिरी यहां पर जबर अलिफ और नून जेर नी तो क्या लफ्ज बन गया बाबानी दो दरवाजे ठीक हो गया ले जी अब हम एक घर से दो बना रहे हैं। जी कौन बनाएगा ख्वाहिशें पूरी कर ले क्योंकि वैसे तो एक घर बनाना भी बड़ा मुश्किल है आज के दौर में लेकिन अरबी में आप देखेंगे बहुत आसान है दो घर बनाना जी ताप ज़बर माशाल्लाह। अलेफ और नून जेर नी बई तानी तो बैत एक घर बई तानी दो घर हाँ जी कोई मुश्किल नहीं है ना बहुत आसान है सबसे आसान अरबी जुबान में कॉन्सेप्ट जो है मुसन्ना का कॉन्सेप्ट है कोई एक आपको पता हो आप दो ऐसे बनाएंगे ताला ये मैंने आपके सामने जिन्स के एतबार से जरा गौर करके मुझे बताएं जल्दी से मुजक्कर है या इनमें कोई मोनस है यानी वाहिद को देखें ना वाहिद से से देखेंगे कलम मुजक्कर किताब मुजक्कर बाब मुजक्कर बैत मुजक्र जन्ना जन्ना मोहन्नस आ गया तो मैं एक फार्मूला वही है फार्मूला वही है आखिरी हर्फ उसे जबर देनी है और अलिफ़ अलीफाजी और का इजाफा कर देना है अब सिर्फ यहां पर प्रॉब्लम आएगी ता हमने गोल करके लिखा हुआ है ना अब चूंकि जाहिर है गोलता दरमियान में नहीं आती ये गोलता लफ्ज के आखिर में ही आती है इसलिए अब इसको हमने दरमियान में लाने तो ऐसे हम इसकी गोलाई को खत्म कर देंगे बस ठीक है जबरदी आखिरी हर पर और अलिफ और नून जेर नी लगा दिया क्या बन गया जन्नत आनी तो जन्नत उन एक जन्नत या एक बाग और जन्नत आनी दो बाग या दो जन्नतें ये दो जन्नतें किसे मिलेंगी जी मजीद में अल्लाह ताला ने एशा फरमाया कि वलिमन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतानी उसके लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया अब जरा देखें करना क्या अपने रब के सामने खड़ा होने से जो डर गया उसके लिए दो जन्नतें क्या मतलब है इसका अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया असल वही अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही का एहसास यानी आप कुछ भी करने लगे हैं तो आप ये सोचना है कि मैंने अपने रब को जवाब देना है और आप कोई गुनाह ये सोचकर छोड़ दें आसान काम नहीं है इनाम बहुत बड़ा है दो जन्नत जन्नत आने बिल्कुल कि यार आपको पूछ ना ले कि किया क्यों बड़ी खूबसूरत बात उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि असल में हम लोग एक दूसरे से डरते रहते हैं अल्लाह से कोई नहीं डरता असल में अल्लाह का खौफ ये असल चीज है और आसान नहीं है ये अल्लाह का खौफ हमें अता हो जाए वाकई बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह से दुआ मांगा करें और बड़ी दुआओं में ये चीज़ हमें मिलती है कि अल्लाह ताला हमें अपना खौफ जो है अता करे हम कोई भी हरकत करने लगें तो सोचें ज़रूर अब वो देखें देखेंत यूसफ्लम के अल्फाज इन्नी अखाफुल्लह बल्कि वो हदीस के अल्फाज हैं कि नबी कसम ने जो फ़रमाया कि सब आत सात किस्म के अफ़राद ऐसे हैं जिन्हें यूज़ील्फिजिल्लि यौमा लाज़िल्लाजिल्हु अपने अर्श के साय तले जगाता फरमाएगा अल्लाह ताला, जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा उसमें एक शख्स आपने फरमाया ऐसा है एक कैटेगरी या एक ऐसा शख्स के रजुल द आत जिसे एक ऐसी औरत ने गुनाह की दावत दी जो व मनसबिन व वा जमालन वाली भी थी और ख़ूबसूरत भी थी लेकिन उस शख्स ने कहा फ़काला इन्नी अफुल्ला मैं तो अल्लाह से डरता हूँ यानी काम बहुत मुश्किल नाम बहुत बड़ा कि अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा उस शख्स को और ऐसे दिन जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा और एक किसी किस्म का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यह भी आपको अरबी ग्रामर बताएगी कि किसी किस्म का साया किसी किस्म का जो मफूह मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये कहाँ से पैदा हो रहा है तो अल्लाह का खौफ वाकई बहुत बड़ी बात है अल्लाह करे हमें अता हो जाए तो ये एक से दो अलहमदुल्ला बन गए एक लफ्ज और आपके सामने लिखता हूं अज्र अज्र के माना क्या होते हैं सवाब बदला ठीक अज्र कहते हैं ना अज्र मिलेगा तो यह है एक अज्र आप दो अजर चाहते हैं या दुगना अजर चाहते हैं ये कर लें तो क्या बन जाएगा लफ्स अजरानी डबल अजर दो अजर बड़ी खूबसूरत हदीस है नबी के मुस्म की हजदायशा रजी अन्हा से मरवी है कि आपसे उसने फरमाया कि अल माहिरु बिल कुरानी जो कुरान में माहिर है जो कुरान को महारत के साथ पढ़ता है और माशाला वो कोशिश कर रहे हैं सीख रहे हैं उसमें माहिर है तो उसका अंजाम मा सफर रिल के रामिल बरारा रहा के दिन अल्लाह ताला उसे नेकोकार बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ उसे खड़ा करेगा यानी उसका ये मकाम होगा अंजाम मैंने इस माना में कहा है मकाम के एतबार से कि अल्लाह ताली उसे ये मकाम जो ऐरमाया इसके बरक्स वो शख्स अल्लाजी यक़राउल कुरान वो शख्स जो कुरान पढ़ता है वह यथाता फी ही और वो उसमें अटकता शौक है।, है पढ़ने का लेकिन अटकता वह हुआ अलह ही शाक और फिर उस पर शाक भी गुजरता है उसे मुशक्कत उठानी पड़ती है तो नबी कसूम ने कोई उसके लिए सजा तजवीज नहीं की के लिए फरमाया लहू अजरानी उसके लिए दोहरा अजर है अब देखिए यहां भी वो शैतान वो जो मैंने कहा था कि वो आपको इस रस्ते पे जरूर मिलेगा यानी आप कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की आपको पहले तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी कि जी ये यह यहां से निकालनी है आवाज और वहां से निकालनी है उसको पीछे लगाना है और ये करना है और वो करना है और फिर शैतान और फिर वो माना के हिसाब से कि अगर ये पढ़ दिया तो ये हो गया और ये पढ़ दिया तो वो हो गया अब कहाँ वो यहाँ पर वो आके फिर बसा अंदाजी करता है कि इससे बेहतर है कि ना ही पढ़ो ये हमारे पढ़ने का नहीं है ये बस ऊपर ही रखा हुआ ठीक है इसे देखते रहो इसे चूमते रहो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कुरान मजीद को देखने का भी सवाब है क्योंकि अल्लाह का कलाम है ये वैसी बाबरकत है इसको देखना इसको चूमना, ये बाबरकत है लेकिन बात वही है कि वो उसका काम जो है वो उसने साथ साथ करना ही करना कि उसने आपको सिर्फ आने नहीं देना लेकिन नबी क़र्म से देखें आपको मोटिवेट कर रहे हैं वो फरमा रहे हैं कि जो अटकता है और फिर उसे मुशक्कत उठानी पड़ती है शाह गुजरता है उस पर उसके लिए डबल अजर है तो इसलिए एक ये भी आपने करना है कि अगर कुरान मजीद पढ़ने में आपको दुशारी पेश आए तो शैतान के बहकावे में नहीं आना बल्कि नबी के मुसलम के इस फरमान को याद रखना है इससे इन जो है वो हौसला मिलेगा ये जी मुसन्ना आपके सामने आ गया और हमने बात की थी कि अरबी जुबान में इसम के जो चार पहलू हैं उसमें सबसे अहम पहलू कौन सा है एराब ठीक है यानी आपको जो भी इसम नजर आएगा वो किसी ना किसी एराबी हालत में मौजूद होगा तो ये जो हमने कलामानी किताबानी बाबानी बैतानी जन्नतानी अजरानी ये जो मुसन्ना बनाए हैं अब ये कौन सी एराबी हालत है ये अब देखें फौरी तौर पे जेर देखते ही आपके जहन में जो आया वो जर ठीक है ना इसलिए कि आपने वाहिद इसम को जर में देखा था जेर के साथ था ऐसे ही ना लेकिन ऐसा नहीं है हर इसम की जो कैटेगरीज है वाहिद मुसन्ना फिर जमा फिर मुजक्कर मोनस हर कैटेगरी में आपने इराब को पहचानने की कोशिश करनी है कि अगर कोई इस्म वाहिद है और वो मुजक्कर है तो उसका इराब कैसे शो किया जाता है अगर वो मुसन्ना इसम है तो उसका इराब तीनों हालतों में कैसे शो किया जाएगा इसको आपने सामने रखना है तो ये जो आपको आने की साउंड मिल रही है ना इसम के आखिर में आने वाली ये हालत रफ आनी तो मुसन्ना का इराब आपने हरकत से नहीं पहचानना जहन में रखिएगा बात समझ में आ रही है यानी वाहिद इसम तो आप ठीक है आप कह लें कि वाहिद वाहि को हमने कलम उन हालत रफ कलाम हालत नस्फ कलाम मिन हालत जर तो उस कला मिन जेर थी तो हालत जर वाहिद इसम को आप कह लें कि ठीक है भाई उसे हम जेर से उसकी हालत जर को शो करते हैं ज़बर से उसकी हालतें नसब को शो करते हैं और पेश से उसकी हालतें रफ़ा को शो करते हैं लेकिन जब मुसन्ना इसम आएगा तो उस वक्त आपने हरकत में नहीं जाना बल्कि साउंड पर जाने तो ये आपकी हालतें रफा हो गई तो मुसन्ना की हालतें रफ़ा अलहमदिल्ला हमारी बन गई है तो जब जाहिर बात है हालत रफ़ा आई तो उसकी हालत नसब और हालत जर भी होगी अब ये हमारी खुशकस्मती है कि नसब और जर अलग से एक एक कैटेगरी नहीं है बल्कि एक ही शक्ल आपको मिलेगी नसब और जर में और वो भी बहुत आसान है आपके पास कला मानी है इसमें जो अलिफ आ रहा है उस अलिफ को या से चेंज कर दें। बस इतना सा काम करना है आपने क्या करना है ये देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो जो अलिफ था उसको या से चेंज कर देना है कलमानी से वो क्या बन गया कला मईनी कला मैनी. किताब किताबानी से क्या बनेगा बाबानी से बाइनी ये आनी साउंड जो है ना ये रफा साउंड है और ये जो आईनी साउंड आपको सुनाई दे रही है इसके आखिर में देखें दो साउंड आपके सामने आ रही है ना कला मानी कला मैनी एक अपने एक रफा में आनी, नसब या जर या नसब और जर इन दोनों में कलम ही नहीं होगी ठीक किताबानी किताब बाबानी बाई तानी बई तईनी जन्ना तानी जन्ना तैनी अजरानी अजरइनी अब आपसे मैं कहता हूं मुस्लिम एक मुसलमान पहले से दो मुसलमान बनाए मुस्लिमी ये किस हालत में बनाया आपने में। आप हालत रफ हमें अब इसकी हालत अब मुस्लिम और मुस्लिम के माना में कोई फर्क no, 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 no. नहीं मुस्लिमानी के माना भी दो मुसलमान और मुस्लिम के माना भी 2. दो मुसलमान फर्क सिर्फ इराबी हालत का है यानी हमने क्या है माना की तब्दीली के बहर इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली को आप कहते हैं ठीक हो गया अच्छा जी जी डॉक्टर साहब मोमिन एक मोमिन दो मोमिन बनाए मोमिनी किस हालत में बनाया इन्होंने हालत रफा में उसकी हालत नसबर जर क्या होगी मोमिनी नसबर जर दोनों होगी तो मुसन्ना में अब देखें आपके लिए आता आहिस्ता याद करना कम होता जा रहा है यानी पहले तीन शक्लें आ रही थी अब आपके सामने दो शक्लें हो गई जी काफिर एक दो काफिर बनाए जरा काफी रानी माशाल्लाह, और काफी रानी की हालत नसब और जर? काफी रईनी, रईनी, काफी करना क्या देखें आसान याद ये अलेफ को सिर्फ यहाँ चेंज कर दे ठीक हो गया ना काफी रईनी अभी देखें मजीद हम प्रैक्टिस करते हैं फिर बल्कि इस प्रैक्टिस के साथ एक हदीस और आपके सामने इन शाह तला जो है वो मुसन्ना के बड़े अल्फाज जो इस में इस है खूबसूरत अल्फाज उसके हवाले से आपके सामने आती है इनशा जी लफ्ज है मेरे पास कलेमा कलेमा एक कलीमा जिस तरह आपका कलीमा की एक्साम पढ़ी है ना हमने इसम कलिमा है फेल कलिमा है इसम और फेल ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे क्या बनेंगे यह और फेल अब दो हो गए ना कलिम तो कलिमा का मुसन्ना क्या बनेगा आखिरी अब रुको जबर दी इसकी गोलता हटाई अलिफ और नून जेरनी तो। कलिमा तानी दो तो कलिमे कलिमा क्लियर हो गया अच्छा अरबी जुबान में हबीब किसे कहते हैं जी हबीब साहब हबीब के क्या माना होते हैं दोस्त या और दोस्त हमेशा प्यारा होता है ठीक तो हबीब के माना प्यारा हबीब प्यारा एक प्यारा दो प्यारे हबीबानी बानी। अच्छा हबीब प्यारा और प्यारी की अरबी क्या होगी मुजक्कर से मोनस बनाने का तरीका भी आप सीख चुके हैं क्या करना है आखिरी आपको जबर देनी है और गोलता लगा देनी है हबीबा तुन हबीब से हबीबा क्लियर हो गया अच्छा ये एक प्यारी हुई और दो प्यारी क्या होंगी हबीब तफीफ किसे कहते हैं जी खफीफ हलका खफीफ हल्का, ख़वीव, हल्का।, ख़वीव, हल्का। अगर दो हल्के हो तो खफी फानी।, फानी क्लियर अगर हल्की हो कोई चीज तो क्या कहेंगे खफीफा खफीफा ठीक है या खफीफा तुन अगर पूरा उसे मुझसे बोल रहे हैं तो खफीफा तुन अब दो हल्की चीजें हो तो क्या कहेंगे खफीफा तानी, तानी। फीफ का ऑपोजिट क्या होगा सकील ठीक सकील यानी शकील से मुराद भारी अगर दो भारी हो तो शकील अगर कोई मोनस भारी हो तो शकीला तुन सकीला ठीक और दो मोनस भारी सकीला तानी अब ये एक दो तीन चार चार मुसन अल्फाज आपने बनाए माशा मुजक्कर फिर उनसे मोनस फिर मुजक्कर का मुसन्ना फिर मोहनस का मुसन्ना अब ये सारे अल्फाज देखें हदीस में इस्तेमाल हुए इस नबी की बड़ी खूबसूरत हदीस है बुखारी की आखिरी हदीस जो है आपने फरमाया कि कलिमा तानी हबीबा तानी रहमानी दो कलिमें रहमान को बड़े प्यारे कलिमा तानी हबीबा तानी अब देखिये उर्दू में हम ये उर्दू में तर्जुमा ये नहीं करेंगे दो कलमें दो प्यारे हैं अब यह अरबी जुबान की खूबसूरती है कि वो दो की बात शुरू हुई तो आगे दो का ही चलेगा सिलसिला सर कलीम तानी हबीबा तानी रहमानी दो कलिमात अर रहमान को बड़े प्यारे हैं खफी तानी लानी लिसान किसे कहते हैं जुबान जुबान पे हल्के खफीफा तानी अल लिसानी जुबान पर बड़े हल्के हैं यानी जुबान से बड़ी आसानी से अदा हो जाते हैं सकीला तानी फिल्मिजानी निजान किसे कहते हैं तराजू को सकीला तानी फिल्मानी तराजू में बड़े भारी हैं दो कलिमा और को बड़े प्यारे हैं ज़ुबान पर बड़े आसान लेकिन तराजू में बड़े भारी और वो दो कलिमात क्या हैं सुबह अल्ला अल्लाह अल अजीम ये दो क़लिमात, सुबह अल्लाह बभी अल्लाह अल अजीम तो देखें ग्रामर सीखने का मैं समझता हूँ कि ये फ़ायदा होता है कि एक हदीस पूरी आपको ज़बानी याद होगी वैसे हदीस अगर आप जाए याद करें तो मुश्किल पेश आएगी लेकिन अलहदुल्ल मुसन्ना ने आपके लिए काम आसान कर दिया कि कलिमा तानी हबीबा तानी अब देखें साउंड आपको आप कहेंगे जी अर में भी तो आनी की साउंड आ रही है लेकिन ये अब आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कि, कि अर रहमान ये वाहिद ही है इसी तरह लिसान एक जुबान है दो जुबानों क्या होंगी लिसानी ठीक हो गया ना कायदा पक्का है आप एक के दो बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप इसी तरह मीजान तराजू और एक की बात ही हो रही है ठीक है मीजानी नहीं हो रहा और अब लमदोला आपको लिसान के बारे में बताया मुझे बताएं लिसान अरबी में मुजक्र है या है मुजक्कर माशाल्लाह कैसे एक है देखिए माशाल्लाह ये चीज़ें हैं पहले आपके में नहीं थी लेकिन आज अलहमदिल्ला आपकेल में आ गई हैं तो एक हदीस भी आपको याद आ होगी कलीमतानी हबीब तानी अलरहानी खफीफतानी अल्ल लिससानी सकीला तानी फिल्म़ानी सुबहानल्बाबी हमदी सुबहानल्आज़ीम जब भी बल्कि वक्त निकाला करें बहुत आसानी से ज़ुबान से अदा हो जाते हैं लेकिन क़्यामत के दिन जब वजन किए जाएंगे अमाल उस दिन पता चलेगा कि ये आसानी से जुबान से अदा होने वाले कलिमात तराजू में कितने वजनी हैं और फिर दूसरी बात यह कि अर्रहमान को बड़े प्यारे हैं अल्लाह ताला अमल करने की तौफीकता फरमाए क्लास को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं ताला अभी आपके सामने देखें मुसन्ना आया इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम इंशाल्लाह ताला जमा को जो है सामने रखेंगे और जमा भी आ जाएगा आपके सामने फिर वसत क्लियर होगा फिर इन तला जुमला बन जाएगा और तला मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपके सामने जुमला आए और फिर कुरान मजीद की आयात आपके सामने रखूँ और आप इस कलाम से जो है वो آه صحيح معنى من لطف اندوزوں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن